अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल ना एक बात बड़ी मशहूर थी कि कोई भी काम करना होता था ना तो यही कहा जाता था कि यार एक क्रिमिनो बेचो तो काम कर लो। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई केज लेना होता था ना तो अच्छा केज जो है वो 25-30 हज़ार में बनता है जो आप खुद बनाए, तो यार एक क्रिमिनो बेचांगे तो एक नया केज आ जाएगा। अगर तो कोई ईद वगैरह आ गई है तो लोग कहते थे यार एक क्रिमिनो तो अल्बाइनो का पेड़ बेचांगे 40-50 हज़ार रुपये वटे जाएंगे, असं एक बकरा ले लेंगे। कूलर वगैरह अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर अगर शेड में नहीं है तो भाई अच्छा कूलर जो है वो भी 8-10 हज़ार रुपये में बनता है, तो भाई एक अल्बाइनो बेचेंगे तो कूलर आ जाएगा। तो भाई पिछले साल तक तो ये हालात थे, परिंदों की कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि हम कुछ भी किस तरह की चीज़ें जो थे वो प्लान कर लेते थे और बन भी जाती थी। लेकिन भाई अब हालात बड़े चेंज हो गए हैं, अब आपको अपनी कोई भी इस तरह की ज़रूरत, वो केज है, वो कुर्बानी का बकरा है, या वो आपका कूलर है, या आपने कोई सीड जो है वो ख़त्म हुई हुई है वो बनानी है, या कोई और मेजर जो 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है अगर वो आपने अपने शेड में करना है तो भाई उसके लिए आपको अपने कई अल्बानो या क्रीमिनो जो है वो कुर्बान करना पड़ेंगे। अब 1-2 पीसी से या 3-4 पीसी से भी कुछ नहीं बनने वाला, अब आपको अच्छा खासा क्रीमिनो 8-10 पीस बेचेंगे तो फिर आपको कोई 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठा होना है। इसलिए जो चीज़ें भी आपके शेड में हैं उसकी हिफाजत करें। अच्छा जी, अब चलते हैं मेन बात की तरफ। तो बात यह है कि बरसात आप देख रहे हैं कि शुरू हो गई है, पिछले 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला शुरू है जो कि तकरीबन पूरे पंजाब में ही है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उसमें हबस होना शुरू हो जाता है। इस हबस वाले महीने में हमारे कूलर काम करना बंद कर देते हैं। अगर तो आप कूलर चलाएंगे, मतलब ये एक पानी वाला पंप अगर आप साथ चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वैसे हालात शायद आपके शहर में ठीक हों, लेकिन जब आप पानी का पंप चलाएंगे तो वहाँ पे भाई हबस हो जाएगा, मजीद घुटन आपको होगी। आप जहाँ पे खड़े होंगे आप खुद वहाँ पे अनकंफर्टेबल होंगे और आपका परिंदा भी वहाँ पे तंग होगा। तो अब सबसे पहले अपने काम ये करना है कि कूलर को कर देना बंद, और कूलर को मेरा तो ये कहना है कि अब कर दें पैक, क्योंकि कूलर के इस्तेमाल के सिर्फ होते हैं 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने अपने परिंदों को कूलर का इस्तेमाल करवा लिया है। टेम्परेचर जो 50 था, हम कूलर लगाते थे तो वो टेम्परेचर आ जाता था 35 तक और माहौल बड़ा ज़बरदस्त चिल किस्म का हो जाता था। तो कूलर के जो 2 महीने थे वो गुजर गए हैं, अब मजीद कूलर का कोई काम नहीं है। तो कूलर को भाई कर दें आप पैक और पंखे का इस्तेमाल कर दें शुरू, क्योंकि अब पंखे का जो वक्त है वो शुरू हो गया। अब 2.5-3 माह हमारे पंखे ही चलने हैं, साथ उसके एग्जॉस्ट चला लें, उससे इंशाल्लाह आपके शेड का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो मैंने पहले बात की थी, कूलर को भी हमने किसी तरीके से बंद करना है। कूलर को अगर आप देखें ना तो उसके अंदर पानी वगैरह होता है जो कि हर वक्त स्टोर होता है। सबसे पहला काम तो ये करें कि कूलर में से जो पानी है वो निकाल दें और कूलर को अच्छी तरह से उसके पैंदे को खुश कर लें। अगर तो इस बरसात के महीने में वो पानी अंदर खड़ा रहेगा ना तो वो आपके नीचे पैंदे एक चादर जो है उसको गाल देगा और अगले साल आपको नया कूलर लेना पड़ जाना है। लेकिन अब भाई कूलर लेना आसान नहीं है, 10 हज़ार रुपया निकालना मुश्किल काम है। इसलिए अपनी पुरानी चीज़ों की हिफाजत करें, कूलर का जो पानी है जो उसके पैंदे में है वो सारा निकालें, उसको खारिज करें और कूलर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। आप देखेंगे कि उसकी साइडों पे ना तकरीबन एक सूत्र के करीब जो मैल है वो जमी हुई होगी। अब वो जो मैल है ना वही बेसिकली जंग का बाइस जो है वो बनती है। उस मैल को, ये जो मेरा एक आला है जिसको मैं हर जगह पे इस्तेमाल करता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि हर शेड की ज़रूरत है। इसके ज़रिए आप जो मैल कुचैल है, जो गंद है, वो उतारें और शेड उसको कूलर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ करने के बाद पानी खुश कर लें और सिर्फ पंखे का इस्तेमाल करें अगर आपके पास अलहदा से पंखा नहीं है। तो भाई चीज़ों का जो है अब अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो अगले साल चीज़ें नई खरीदने से बच जाएंगे, वरना आपको नया जो खर्चा है वो करना पड़ जाना अगले साल। और अब भाई इतने इसमें से बचत नहीं है कि नई चीज़ें खरीदी जा सकें। तो छोटा सा मैसेज था, मैंने सोचा आप दोस्तों को दे दूँ। आई होप तो आपने आज की वीडियो लाइक की होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।